तस्वीरें गोहाना अनाज मंडी की हैं, जहां बुधवार को आढ़तियों ने मंडी में रही फसल की खरीद को रोकने का फैसला लिया है और सरकार के खिलाफ अपना रोष जताया है। मंडी आढ़तियों का सरकार पर आरोप है कि किसानों द्वारा गेहूं लाते 5 दिन हो गए, मगर अभी तक सरकार द्वारा गेहूं के एक दाने का भी उठान नहीं किया गया। आढ़तियों की मांग है कि सरकार ऑनलाइन सिस्टम को बंद कर पुराने सिस्टम से गेहूं का उठान करे। उसका कारण क्या बताओ? हमारी मंडी बीडिंग 5 दिन हो गए हैं, आज तक मंडी से एक कट्टा नहीं उठा था। कल हमने ट्रांसपोर्ट वाले गाड़ी मंगवा के माल लोड करवाया था, वो 13 गाड़ियां आज तक अभी तक ऐसे कैसे खड़ी हैं, अनलोड नहीं हुई हैं। डिपार्टमेंट ये कहता है कि ऑनलाइन ही लिफ्टिंग होएगी, उठान भी ऑनलाइन होएगा और अनलोड भी ऑनलाइन होएगा। ये सिस्टम हमारे आर्थिक बस का तो है नहीं, जो सिस्टम सरकार चला रही है। हम चाहते हैं जो सिस्टम पहले लागू था मैनुअल का, मैनुअल यहाँ पे गेट पास करते थे, सरकार वो लागू करे जिससे आठ लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो फिर आज क्या किया? आज हमने मंडी बंद कर दी है, जब माल उठेगा नहीं हम क्या करेंगे, माल भर भर के तो उतरवा नहीं रहे मंडी में। माल तो गेहूँ तो आ रहा है मंडी में, मगर गेहूँ हम भरेंगे नहीं, जब माल लिफ्ट नहीं हो रहा है यहाँ से, मंडी में जाम लग जाएगा 2 दिन में। तो परचेज बंद है? परचेज बंद कर दिया हमने आज। पहले हमारी जो गाड़ी गई हुई है उतारो और हमारा पैर पुराना माल उठाओ, फिर माल भरेंगे हम। तो कब तक रहेगी आज? जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती। ठीक। पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। आढ़तियों ने साफ किया है कि जब तक सरकार ऑनलाइन सिस्टम को छोड़ पुरानी पद्धति से गेहूं खरीद नहीं करती, तब तक आगे वो फसल की खरीद नहीं करेंगे। पहले जो फसल खरीदी गई है उस फसल का उठान करना होगा। पहले तो यह है कि भाई थोड़ी बहुत नमी का माड़ा है ना, वो खड़ा रहे दोबारा सुखा कर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। फिर माड़ जो बाहर जावा है ट्रकों में, वहाँ 3 दिन से उतर नहीं रहा, वो परेशानी आ गई। मैं एक तरफ जमींदार का माड़ पड़ा है, दूसरी जगह माड़ जो पेज का लोडिंग है वो लोडिंग नहीं हो रहा। हम चाहते हैं पिछले साल की तरह से गेट पास कट के माड़ जावा है ट्रक नंबर वाइज, और जाकर माल उतर जाए ताकि मंडी में सुविधा होती है या भीड़ नहीं हो जाएगी। हम लगातार इसी अंदर बंद करना पड़ेगा। तो आज मंडी बंद कर दिया? आज मंडी बंद कर रहे हैं, इसी वजह से माल उतर रहे हैं। हमने सीएम साहब को भी रिक्वेस्ट किया है हमारा माल उतरवाओ ताकि मंडी में ये माल जमींदारा का बाजार लोडिंग लोड वहाँ से लोड यहाँ लोड करा के वहाँ अनलोडिंग हो जाएगा। नया आदेश तो ये है कि अभी गेट पास ऑनलाइन होगा, 2-2 दिन लग जाए ऑनलाइन होने, ट्रक खड़े ट्रक लोग करके बांध जाएगा, ट्रक यहाँ से 1 किलोमीटर माल जाना है, ट्रक 2 दिन खड़ा रहे तो ट्रक वाले बिल्कुल लोग इसका किराया डबल किराया देगा, आड़ती के ऊपर किराया पड़ेगा, इसका नुकसान तो आड़ती थोड़ा बढ़ गया है। समय पर माल भी नहीं उठेगा? माल नहीं उठा तो भीड़ हो जाओगे। हम तो चाहते हैं जिस तरह पिक्चर था ना, ट्रक गेट पास कटिया नंबर वार आया, ट्रक गेट पास किया वहाँ तक जा रहा है, हम सिर्फ ये चाहते हैं ऐसे हिसाब का हम तो जब तक समस्या समाधान नहीं होगा मंडी बंद रहेगी। हाँ, जब तक तो फैसला नहीं होगा मंडी में फायदा क्या करेंगे। आज बंद करी है मंडी में आपने ये स्ट्राइक किया, क्या कारण है बताओ? ये गेट पास का चक्कर है जी, गेट पास हमारे ऑनलाइन कर रहे हैं ये जो ट्रांसपोर्ट है भाई, ऑनलाइन करके दो। ऑनलाइन की दिक्कत आ रही है भाई, ये क्लिक कर दिया 10 मिनट में, 10 सेकंड में 4 दुकानदार ने क्लिक कर दिया, 2 नंबर वाले ने कर दिया, फिर 200 नंबर वाले ने कर दिया, फिर 40 वाले ने कर दिया, फिर 84 वाले ने कर दिया। उसके तहत एक एक तरतीब वाय नू नहीं उठ रहा है भाई। आज ये भी यहाँ से पूरी करके ना, फिर वह 84 में जाएगी, 84 बाद पूरी करके फिर 30 पाव है वह। पहले कैसे होता था? पहले लाइन वाज होता था डोर टू डोर। ये नई सरकार ने ये नई आज पॉलिसी बना दी और ना गेट पास कट रहे हमारे, इसी को लेकर स्ट्राइक, इसी के लेकर स्ट्राइक करे। आज मंडी बंद करना? मंडी बंद विनोद, ये जिस तरह से मंडी बंद करी, जो परसों माल उठा था वो अभी तक उतरा नहीं फिर? ना जी, उठ नहीं रहा, वो गेट पास नहीं इशू हो रहे। हमने गाड़ी लोड करवा दी, वो गेट पास इशू नहीं रहे। फिर एक और कारण होया है, मैं अपना वजन पूरा दे रहा हूँ, दूसरी गाड़ी में जिसके 70 कट्टे पड़े हैं वो वजन कम तोल रहा है, वो मार दो 9 बा पड़ा 3 9 बा पड़ा है, जो 3 फर्मों के था वो गाड़ी लोड हुई वो मार 3 9 बा पड़ा है, वो टका कौन सुने? तो क्या होना चाहिए? ये एक फर्म का माल एक गाड़ी में होना चाहिए, जो बच जाए 20 कट्टे बच गए 100 कट्टे बच गए वे अगली गाड़ी में सिस्टम होना चाहिए, जैसे हमारा पहले से रूटीन चलता रहा था। ठीक। आढ़तियों की मांग है कि सरकार ऑनलाइन सिस्टम को बंद कर पुराने सिस्टम से गेहूं का उठान करे। जब तक पुराने सिस्टम के तहत मंडी से गेहूं का उठान नहीं किया जाता, वो मंडी में किसानों को गेहूं नहीं उतरवाएंगे और तब तक मंडी में हड़ताल रहेगी। अब आढ़तियों की हड़ताल के चलते किसानों को आने वाले समय में अपनी फसल को बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।